कुछ लड़कों को ऐसा मानना होता है कि सिर्फ हैंडसम लड़के ही लड़कियों को पटा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियों को पटाना एक कला है। बहुत बार हैंडसम लड़के भी लड़कियों को नहीं पटा पाते। लड़कियों के लिए सारे लड़के एक जैसे होते हैं। लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड चुनना शॉपिंग करने जैसा होता है। जब वो किसी लड़के को पसंद करती है तो वो बेवजह कर लेती है, और किसी को रिजेक्ट करती है तो भी बेवजह। तो सबसे पहले अपने दिल से इस बात को निकाल दो कि प्यार करने के लिए तुम्हें हैंडसम होना जरूरी है। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लो, अच्छी सुंदर और अमीर लड़कियां गरीब बदसूरत लड़कों के साथ पटती हैं। आपने अगर परियों की कहानी सुनी है तो आप जानते होंगे परियों को शैतान उठाकर ले जाता है, और ये आज भी है। लड़कियां अच्छे और हैंडसम लड़कों को छोड़कर बुरे लड़कों के साथ हो जाती है। आप तो कोशिश ही नहीं करते या फिर किसी एक लड़की के पीछे पड़े हो। देखो, अपना टारगेट बदल लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लड़कियां सिर्फ क्वालिटी एंड टैलेंट की कदर करती हैं। आपका रंग कैसा है ये मायने नहीं रखता। लड़कियां हैंडसम लड़के को सिर्फ एडिशनल बेनिफिट की तरह देखती हैं। बेसिक चीज तो कुछ और ही है। आप कितने भी गोरे हो जाओ, कितने भी हैंडसम हो जाओ, अगर आप ये बेसिक क्वालिटी नहीं जानते तो आप कभी लड़की नहीं पटा पाओगे। अगर लड़की पटाना चाहते हो तो सबसे पहले घर से बाहर निकलो। घर बैठे सिर्फ होम डिलीवरी ही मिलती है। घूमने निकलो और देखो किन लड़कों के साथ कैसी लड़कियां हैं। उनका ड्रेसिंग देखो, उनका स्टाइल देखो, उनके कपड़े पहनने के तरीकों को देखो। उसके बाद लड़की के साथ जो लड़की है उसको देखो, उसके कपड़े देखो, उसका स्टाइल देखो, और एनालाइज करो ऐसे लड़कों के साथ ऐसी लड़कियां होती है और ऐसे लड़कियों के साथ ऐसे लड़के। तो तुम जिस तरह के हो, जिस तरह के दिखते हो, तो वैसी लड़की ढूंढो। या फिर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उस तरह के लड़की के साथ जैसे लड़के होते हैं वैसे बन जाओ। सिर्फ कपड़े ही तो बदलने हैं। देखो, तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, लड़की पर दुनिया के सारे ट्रिक ट्राई कर लो, सारे वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक तुम खुद के बोलने की स्टाइल पर काम नहीं करते तब तक कोई भी लड़की नहीं पटा पाओगे। अपना बोलने का तरीका सुधारो। बोलने का स्टाइल अच्छा करने का बढ़िया तरीका ये है, अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो जिसमें हीरो हीरोइन को रोमांटिक डायलॉग बोलता है। तुम्हें कुछ याद करना या रटना नहीं है, बस मूवीज देखते जाओ और नॉवेल्स पढ़ते जाओ। तुम्हारा दिमाग अच्छे अच्छे शब्दों को अपने आप उठा लेगा और तुम्हारा बोलने का तरीका भी अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि जो राइटर होता है वो अपने शब्दों को बहुत बार तोड़ता है, जोड़ता है, बहुत लंबी बात को छोटा करके बोलता है और अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करता है। मूवीज में एक बात ध्यान देना, वो तमिल वाली मूवीज नहीं होनी चाहिए जिसमें बोलते हैं ना, ए मैं तेरे से प्यार करता, हाँ बोलेगी तो ठीक, नहीं तो उठा कर लेके जाऊंगा। ऐसी मूवीज नहीं देखनी है, और बुक्स में मोटिवेशनल किताबें नहीं पढ़नी है। दुनिया में कुछ भी करने के लिए जरूरी होता है एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड बताता है तुम कैसे लड़के हो। हमें एटीट्यूड सांप से सीखना चाहिए। दुनिया के 90% सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन फन सभी सांप फैलाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे डरते हैं और सांप की जिंदगी भी बच जाती है। तुम्हें भी सांप बनना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसका दिखावा जरूर करो। इस बात से मत डरो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम अपने सारे वादे पूरे करो। और याद रखना, लड़कियों को पता होता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम बोल तो रहे हो ना, तुम वादे तो कर रहे हो ना। उनको ये पता होता है तुम चांद सितारे तारे तोड़कर नहीं ला सकते, पर अपना एटीट्यूड तो वैसा रखो कि तुम चांद तारे तोड़कर लाओगे, सारी दुनिया को उसके कदमों में झुका दोगे। देखो, तुम्हें बताया जाएगा झूठ बोलना गलत है, मैं भी बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ये देख लो छोटा सा झूठ बोलकर गर्लफ्रेंड बनाओ, नहीं तो सत्यवादी बनकर सिंगल ही मर जाओ।